और अब हमारे साथ एक विशेष पात्र हैं, जिनके बिना रामायण का पूरा होना असंभव है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कौन है? चलिए मैं बता देता हूँ, श्रीमान आज प्रस्तुत करेंगे दशरथ का पात्र। तो हमारे साथ दशरथ का पात्र प्ले करने वाले कैरेक्टर हैं, मैं इनसे इनके बारे में और यहाँ की रामलीला के बारे में जानना चाहूँगा। हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को अपना नाम बताएं, अपने अनुभव के बारे में बताएं और जो सब कुछ होने वाला है उसके बारे में बताएं। मेरा नाम है मयंक रघुवंशी जी, और मैं दशरथ का रोल प्ले कर रहा हूँ जी। इट हैज़ बीन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, गुड टीम, गुड डेडिकेशन, एंड वी हैव वर्क्ड अ लॉट। और आज हम ये रामलीला प्रस्तुत करने जा रहे हैं, आशा है आप लोगों को सबको पसंद आएगी जी। हमें आशा है पूरी कि हमें पसंद आएगी और दर्शकों को भी पसंद आएगी। आपकी कोई विशेष याद जुड़ी है बचपन में, जब आप बड़े हो रहे थे तब तब कुछ विशेष हुआ हो, कभी आपने बचपन देखी हो, और जो यहाँ कर रहे हैं आप, कुछ समानता या क्या अंतर है, कुछ यादें जुड़ी हैं? मैं एक बात बोलना चाहूँगा, इंडिया में मैंने इतने रावण नहीं जलाए जितने मैंने कनाडा और यूएस में आके जलाए हैं। क्योंकि इंडिया में अल्टरनेट कभी कभी ऐसा होता था कि वी आर नॉट एबल टू अटेंड, बट यहाँ पे इट इज एन मेजर इवेंट, राइट? दैट वी गिव एक्सपोजर टू अवर किड्स, हम हमारे बच्चों को लेके आते हैं, दिखाते हैं संस्कृति के बारे में, अवगत कराते हैं। यस, और मेरा ये मानना है कि हर इंसान के अंदर राम और रावण होता है जी, और वो उनके आचरण पे डिपेंड करता है कि वो किस कैरेक्टर में जाते हैं। तो आप असल जीवन में भी दशरथ जैसे हैं या कुछ नेगेटिव? मोर और लेस यस। ठीक है, हमारी तरफ से शुभकामनाएं, आपकी रामलीला बहुत अच्छी तरह मंचित हो और सब लोग उसे चाहें। थैंक यू सो मच।